नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, इंडियन आर्मी की तरफ से, भारतीय थल सेना की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर आरटीजी जोन अंबाला कैंट, अंबाला कैंट में एमटीएस और ड्राइवर की ऑफलाइन मोड में पोस्टें हैं जी। ठीक है जी, ऑफलाइन मोड में पोस्टें हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है वो डिस्कस पूरा करेंगे। 7 मई से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। आज देख सकते हो आप 9 मई हो चुकी है, 7 मई से अप्लाई होने शुरू हैं और 6 जून शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस आपको अंबाला कैंट का बताएंगे। ठीक है जी, इसमें किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है, किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और इसमें जो आपको एज की बात करें तो 6 जून तक एज कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल आपकी एज होनी ज़रूरी है, यानी कि 18 से 25 साल आपकी एज ज़रूरी है। और इसमें सिलेक्शन की बात करें, रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और फिजिकल टेस्ट आपका रहने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपका रहने वाला है। इसमें बात करें टोटल में 6 पोस्टें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें पोस्ट कौन कौन सी है जी, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की 5 पोस्टें हैं, 10वीं मांग रखी है और एमटीएस का आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। बाकी आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में पूरी की पूरी डिस्कशन कर लेंगे। सिविल मोटर ड्राइवर की नेक्स्ट पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट है जी सिविल मोटर ड्राइवर की, इसमें 10th मांगी हुई है और 4-व्हीलर का ड्राइवरी लाइसेंस मांगा हुआ है। 4-व्हीलर का यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस, ये नहीं पता LMV है या HMV है, वो भी डिस्कस आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में करेंगे। बात करते हैं कैटेगरी वाइज, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4 पोस्ट जनरल की हैं और 1 पोस्ट OBC की है। मोटर ड्राइवर की 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की है जी। अप्लाई करके फॉर्म आपने सेंड कहाँ पे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज़ जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है जी, ये देख सकते हो इस एड्रेस पर आपने ये फॉर्म द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग HQ हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन चंद्र शेखर मार्ग अंबाला कैंट पोस्ट बॉक्स नंबर 93 इस एड्रेस पर आपने फॉर्म पोस्ट करना है जी। और इसमें साथ में आपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगानी है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमोसाइल, 2 सेल्फ अटेस्ट यानी कि 2 ब्लैंक एनवलप लेकर उस पर अपने खुद के पूरे का पूरा प्रॉपर वे में एड्रेस लिखना है, 5x11 का होना चाहिए और उसमें 17 रुपये की स्टैंप, पोस्टल स्टैंप पोस्ट ऑफिस से लगी हुई होनी चाहिए। अगर आप कास्ट से अप्लाई करोगे तो कास्ट का कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर चाहिए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन होने जरूरी हैं। हर एक आर्मी के फॉर्म में यही रूल रेगुलेशन होता है, हर एक में आपको बताते भी हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जी, ये ऑफिशियली वेबसाइट है इंडियन आर्मी की और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जी इंडियन आर्मी का। ठीक है जी, इसमें बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा MTS और सिविल मोटर की। पे स्केल की बात करें 18,000 से लेकर 56,900 तक पे स्केल रहने वाला है, 10वीं मांगी हुई है, प्लस में आपका एक्सपीरियंस, इसमें आपका ड्राइवरी लाइसेंस मांगा हुआ हैवी व्हीकल का, ये देखिए हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी जरूरी है। इसमें रिटर्न एग्जाम हो सकता है, स्किल टेस्ट तो होना ही होना है, मेडिकल भी होगा। ये कैटेगरी वाइज है जी, इसमें 18 से 25 साल एज मांगी, कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। हाँ, अगर कहीं पर आप वर्क कर रहे हो तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपका देना जरूरी कंपलसरी होगा। ठीक है जी, इसमें कोई भी TADA आपको एग्ज़ाम देने के लिए या कोई भी टेस्ट देने के लिए TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा और 30 दिन ही आपको अप्लाई करने के दिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है 7 मई से शुरू है जी और 6 जून लास्ट डेट है, यानी कि पूरे 28 दिन आपको, 30 दिन आपको मिल गए हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियली फॉर्म की भी, ये फॉर्म है, ये आप देख सकते हो, ये आपको अलग कटिंग में दे दी है। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट कहता है भी मैं टाइपिस्ट हूँ तो हमारे साथ ये फॉर्म जरूर शेयर कीजिए और ताकि कैंडिडेट्स को और फॉर्म भी हम प्रोवाइड एक्चुअली करवा सकें।
ठीक है जी। और अगर आप कहते हो कि फॉर्म वर्कर सर हमें एक डेमो चाहिए तो डेमो भी प्रोवाइड करवा देंगे। कृपया करके कमेंट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आपने फ़ोटो लगानी है और ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर के लिए कर रहे हो या एमटीएस के लिए कर रहे हो वो लिखना है। आपका नेम यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि आप इसमें ना प्लेलिस्ट खोलोगे, जैसे ही चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट खोलोगे। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ क्योंकि कई कैंडिडेट्स को कई बार समझ नहीं आता और कहते हैं भी सर आप बता दिया करो, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे अब चैन प्लेलिस्ट में आते ही आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इंडियन आर्मी का ये रहा, इंडियन आर्मी का ये फोल्डर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी। और इस इंडियन आर्मी के फोल्डर में आपको जो आज से 4 या 10 दिन पहले वीडियो डाली है सभी में फॉर्म अवेलेबल है। फॉर्म सेम है जी, फॉर्म में कोई भी डिफर नहीं है, बस भरने का स्टाइल भी सेम है। क्योंकि अगर इसमें आप फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, नेम पूरा नहीं आएगा, जेंडर पूरा नहीं आएगा। आप हमारी पुरानी वीडियो में से भी ले सकते हो। हाँ, किसी के पास फॉर्म पड़ा हो तो वो फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दे कमेंट बॉक्स में ताकि हर एक को मिल सके, ठीक है जी। और पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और यहाँ पर अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपकी डिटेल। फिर उसके बाद SC कास्ट से हो, BC कास्ट से, कौन सी कास्ट है, जनरल तो जनरल लिख दीजिएगा। कहीं पर एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो वो डिटेल लिखनी है। हाँ, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन फाइनली में डिक्लेरेशन यहाँ पर डेट प्लेस और यहाँ पर आपके साइन। और यहाँ पर देख सकते हो एक हाईलाइट्स इन्होंने दे दिया है, नोट करके लिख के पूरे का पूरा हाईलाइट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। हाईलाइट क्या है जी, देख सकते हो भी आपको 2 ब्लैंक एनवलप चाहिए ताकि आपके पास रोल नंबर भी आ सके ना, और उसी पर आपने खुद अपने हाथ से हैंड रिटन में पूरे का पूरा एड्रेस आपका लिखना है, जो आपको एड्रेस लगता है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हो आपका पोस्ट आता है वही एड्रेस आपने लिखकर इसमें साथ में डॉक्यूमेंट एनवलप के साथ में देना है। यानी कि 2 एनवलप ब्लैंक लेके उस पर अपने एड्रेस लिखिए और उसी पर ही आपने 17 रुपये की यानी कि 34 रुपये की स्टैंप लगवानी है, ठीक है जी। और उसके साथ ये फॉर्म भरना है, फॉर्म के साथ अपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी है, और इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सभी की फोटोकॉपीज अटैच करनी है। हाँ, अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट अटैच करना है, जनरल हो तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। 2 एनवलप ब्लैंक जरूर देने हैं और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देनी है एनवलप के बीच में, एक तो यहाँ पर आपने लगानी इस फॉर्म पर, 2 एनवलप के बीच में आपने देनी है। हाँ, कोई कैंडिडेट कहता है सर मेरे को समझ नहीं आया, तो वो कृपया करके हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया उस पर भी कंसर्न कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, आपको एज ए प्रॉपर डेमो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट बार करें एक और चीज़ आपके लिए, जो कि examjobalert.com जब आप प्रेस करोगे ये ऑफिशियली वेबसाइट भी आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें रिजल्ट अप टू डेट हो चुके हैं, ये रिजल्ट आप देख सकते हो। MC चंडीगढ़ का जो कि PET का फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी हो चुका है वो रिजल्ट में आया, ठीक है। इसी तरह एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का, SSC, GD, PET, PST का, कौन सा है ये आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। उसके बाद सिलेबस, हर एक का अलग अलग सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की, ठीक है जी। यहाँ पर आंसर की जो आंसर की या ऑब्जेक्शन लिंक आए हैं वो इसमें आंसर की में आएंगे, ठीक है। और इसमें आप प्रॉपर वे में सहायता कीजिए, हाँ कोई कैंडिडेट कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर बिल्कुल डाउन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी जाएगी। और इसके साथ आपको एक ऑप्शन हमारी तरफ से और भी दिया जा रहा है, कोई कैंडिडेट कहता है भी मैं सर अपना रिचार्ज खुद करता हूँ, तो आप हमारे से 500 डलवा सकते हो, अकाउंट में 400 डलवाइए, 200 डलवाइए, उसमें से जितने आप यूज करोगे उतने करेक्ट है, बाकी आप निकाल भी सकते हो, उतने आपके बाकी पड़े रहेंगे, ठीक है जी। और आपको सिर्फ हम आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें UPI करने और आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पेमेंट
आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वहीं से आप यूज करिएगा, ठीक है जी। और इसमें आप सहयोग कीजिए, हो सकता है इसी में आपको बहुत बड़े बड़े ऑप्शन देखने को मिल जाएं, बस इसमें आप सहयोग जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लाएं जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करवाना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पर देंगे, ठीक है जी। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा भी आप अगर ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, जैसे ही लाइव हो जाता है वो भी आपके साथ ये चैनल का बता देंगे, बट अब वेबसाइट पोर्टल पर ये चार ऑप्शन अभी तक लाइव हैं, चारों के चारों ऑप्शन ही अभी तक लाइव हुए हैं, अप टू डेट हैं। बाकी जॉब का हो जाएगा और 4-5-10 दिन में तो आपके साथ ये भी लाइव कर दिया जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 6 जून से पहले पहले यानी कि 15 दिन पहले पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन पहुंचने को भी अम्बाला कैंट लग सकते हैं, क्योंकि बीच में हॉलीडेज़ भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और भी अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नहीं हो तो वीडियो का चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।